हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप सब मजे में हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल आसिफ म्यूजिक बैंड में। तो दोस्तों आज मैं आपको सॉन्ग बताने वाला हूँ। तो सॉन्ग नहीं दोस्तों, इसको गजल कहते हैं। आपने टाइटल थंबनेल देख लिया, बहुत ही प्यारी गजल है और गुलाम अली साहब खां की। गुलाम अली खां साहब की गजल है। तो बहुत ही अच्छी गजल है और कच्ची दीवार हूँ ठोकर न लगाना मुझको। अगर आप लोगों ने सुनी है तो आप समझ गए होंगे। आप लोगों ने नहीं सुनी है तो उसको सुन लें, बहुत बेहतरीन गजल है। तो मैं आपको ट्रम्पेट इंस्ट्रूमेंट में इसके नोट्स बताऊंगा और बहुत प्यार से नोट्स बताऊंगा, बहुत आराम से इसको गजल को निकालेंगे बहुत प्यार से। ठीक है, तो आप ट्रम्पेट लेके बैठे उसके नोट्स सीखे बहुत प्यार से मैं आप। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा देंगे, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप बहुत ईजी यहाँ पे सब कुछ सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी मैं आपको बताऊंगा। कच्ची दीवार हूँ ठोकर ना लगाना मुझको, कच्ची दीवार हूँ ठोकर ना लगाना मुझको, अपनी नजरों में बसा कर ना गिराना मुझको, कच्ची दीवार हूँ। दोस्तों ये शौक मैं आपको बहुत प्यार से बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी थोड़ा सा कोई मुझे तो दोस्तों किसी ने मुझे आवाज दी थी इसलिए मैं थोड़ा रुक गया था। और दोस्तों अब कौन सा गाना है, कच्ची दीवार हूँ ठोकर ना लगाना मुझको, देखते हैं दोस्तों ट्रम्पेट इंस्ट्रूमेंट में इसको निकालेंगे आज हम पहली बार, किस तरीके से निकालेंगे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कच्ची दीवार हूँ। दोस्तों लाइट आ गई थी इसलिए कूलर की आवाज आ रही थी, अब आपको साफ रखेंगे। कच्ची दीवार हूँ ठोकर ना लगाना, ये चीज निकालना हमको। ठीक है, आई एम सॉरी थोड़ा, क्योंकि दोस्तों मैं पहली बार निकल रहा हूँ गानों को, लेकिन मेरे दिमाग में है। कच्ची दीवार हूँ थोड़ा अड़बंग के। दोस्तों गजल जो होती है गुलाम अली खान साहब की जो गजल है दोस्तों, इन्हें बहुत ज्यादा ऊंचे नीचे सुर होते हैं और बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत इजीली बता रहा हूँ, आप बहुत इजीली सीख सकेंगे इस चीज को। ठीक है, कच्ची दीवार हूँ अपनी नजरों में बसा कर, तो दोस्तों इस तरीके से हमारे गाने के बोल हो जाते हैं। अब दोस्तों इसका अंतरा भी और म्यूजिक तो दोस्तों जब गजल होती है तो गजल में हम अपने हिसाब से कोई ना कोई म्यूजिक बना लेते हैं।
ये हमारा म्यूजिक हो जाता है इस तरीके से, जैसे हमने गाने के जो हमारे गजल के जो हमने बोल बोल कह दिए, मतलब जो गजल का मुखड़ा वो कह दिया, इसके बाद जो बीच में म्यूजिक होता है आप इस तरीके से हैं। दोस्तों जरा मोबाइल गिर गया था, अभी स्टैंड थोड़ा टूट गया ना, तो मोबाइल थोड़ा हिल जाता ना तो गिर जाता है। फिर से एक बार फिर से दोस्तों म्यूजिक देख लेते हैं शुरू से, क्योंकि मैंने पहली बार निकाला थोड़ा मुझसे गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कोई नहीं आपको सही करके दिखाऊंगा सही। बहुत गर्मी हो रही है यार, थोड़ा कूलर चला लूं यार, कूलर रखा हुआ है मेरे सामने, इसको चला लेता हूं, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, आपको आवाज फिर भी आएगी। तो गर्मी थोड़ा कम हो जाएगी। अरे हट जाओ बैठ जा, तरीके से हम अपना म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है लेकिन आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब जो हमारे गजल के सुर हैं उन्हीं सुरों में टैल टैल के आप इसके सुर को बजाते हैं, तो उसका अंतरा भी बहुत प्यारा अंतरा है। तुमको आंखों में तसव्वुर की तरह रखता हूँ, तुमको आंखों में तसव्वुर की तरह रखता हूँ, दिल में धड़कन की तरह तुम भी बसाना मुझको। दोस्तों इस प्रकार हमारा अंतरा हो जाता है, ठीक है देखें। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, खाली मुझे मुझसे याद है कि इसमें त्रिपुर पहली बार गाना से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों इतना सा हमारा अंतर हो जाता है, फिर से एक बार सुरीली तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तुमको आंखों तो दोस्तों इस प्रकार आप इस सॉन्ग को निकाल सकते, मतलब इस गजल को निकाल सकते हैं, बहुत ही प्यारी गजल है और मैंने बहुत प्यार से आपको इसके नोट्स बता दिए, आप अपने हिसाब से इसको बजा सकते हैं और अच्छे से आप अच्छे से इसको रच सकते हैं रचना कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो बहुत ईजी सॉन्ग मैंने आपको बता दिया, बहुत प्यारी गजल है गुलाम अली खान साहब, बहुत ही प्यारी गजल है, तो उसको सीखे बहुत ज्यादा। दोस्तों अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है। दोस्तों तीन बार बोलता हूँ, एक बार में तो मानेंगे आप, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना और
थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जो हमारे व्यूवर्स हैं यूट्यूब को हमारे शेयर कर दिया करें ताकि, और दोस्तों मेरा थोड़ा कॉन्टैक्ट मेरा नंबर है जो ये व्हाट्सअप नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, मतलब कोई भी आप अपने तरफ से गुरु तक डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मेरा पेटीएम नंबर और मेरा गूगल पे फोनपे नंबर यही है। आप कभी भी आपको थोड़ा लगे कि हाँ चलो उस्ताद के लिए थोड़ा गुरु तक डाली जाए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ करने ठीक है। जो लोग सीख रहे हैं थोड़ा बहुत लाभ है, वो सोचते हैं बाकी हमें कुछ सीखने को मिला तो उनके लिए है ऑफर है, वो डाल सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।